अस्सलाम जी भाई, क्या हाल है? सबकी ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सबके साथ खैरियत से होंगे। भाई काफी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो मेरी सुस्ती पे तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आज मुझे 1 साल हो गया है, शबे मेराज है आज। तो वही बड़ी रात जहाँ से मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, पहला व्लॉग ही मेरा वो था। इसलिए मैंने कमरा भी वही यूज़ किया है, वही शर्ट पहना हूँ, वही बैकग्राउंड है भाई। ठीक है, तो शबे मेराज पे फिर छुट्टी नहीं मिली, इत्तेफाकन 23 मार्च आ गया है। तो 23 मार्च से मैं बता दूं, पिछले साल जब मैंने किया था व्लॉग तो 4th ऑफ अप्रैल था, भुट्टो डे था। अभी पाकिस्तान डे है, तो पाकिस्तान में तो खूब कितनी छुट्टियां मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ भाई। मैं कराची में रहता हूँ, तो सिंध और पाकिस्तान की छुट्टियाँ इतनी सारी हो जाती हैं कि क्या बताऊँ। तो 5th फेब कश्मीर डे, 23rd मार्च पाकिस्तान डे, 4th अप्रैल भुट्टो डे, फिर 1st अप्रैल लेबर्स डे आ जाता है, और जून जुलाई हटा दो तो 14th ऑफ अगस्त है, फिर 6th ऑफ सितंबर, 11th सितंबर की भी पहले छुट्टी आती थी जब कायदे आजम का इंतकाल हुआ था, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर में 9th ऑफ नवंबर इकबाल डे, देन 25th ऑफ दिसंबर जो क्रिसमस डे भी है और कायदे आजम डे भी है, फिर 27th ऑफ दिसंबर दी बेनजीर भुट्टो शहीद जब हो गई थी। भाई ये तो हो गया एक क्रिश्चियन कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम की छुट्टियां हैं, रबीउल अव्वल की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां हैं, रमजान में छुट्टियां हैं, शाबदुल लतीफ बिठाई हैं, और काफी और हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी छुट्टियां आ जाती है। तो इतनी सारी छुट्टियां मिला के अभी तो कोरोना के हिसाब से छुट्टियां दे दी। आप ये सोच रहे हो मैंने मास्क क्यों पहना हुआ है, तो मैं मास्क बता देता हूँ भाई के हर जगह मास्क मास्क चल रहा था, मैंने पहन ही लेता हूँ, कीमती चीज हो गई है। ठीक है, शुरू में तो बहुत कीमती था जब ये कोरोना फैला था, फिर भी बेटर है। लेकिन ये मास्क मैंने लिया है पठान से मैंने 40 रुपए का लिया। ये मास्क थैली में पैक होके मेडिकल स्टोर पे बिक रहा है 80 रुपए का, डबल रेट में बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्या करें भाई, किराया विराया देना होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, तो उनको भी कुछ नहीं कहूंगा। मैं गया था मार्केट, तो रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, जाहिर सी बात है उन्होंने कहा रेस्टोरेंट्स खुले, डाइनिंग नहीं होगा भाई, डिलीवरी और टेकअप भी हो सकता है, तो आप जाओ। तो फूड पांडा वाले के तो भाई वारे न्यारे हो गए, उन्होंने बोला पिंक शर्ट पहनो, गाय के स्टार्ट करो और पहुंचो डिलीवरी लेके घरों पर। हर कोई अपने मंजन बेच रहा है भाई, कोई गाने गा रहा है, अली जफर साहब वो गाना गाना बैठ गए यार, आपको दुआ मांगनी चाहिए ऐसे टाइम पे, पूरी दुनिया बंद हुई है, आप गिटार लेके गाना शुरू हो गए, को कोरोना को कोरोना, कोई गा रहा है कोरोना कोरोना। जो लोग डेट लगाते हैं भाई, पार्क रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है, जाहिर सी बात है। ठीक है, कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि भाई बच्चों के स्कूल बंद नहीं करने चाहिए, पढ़ाई का इतना सारा लॉस हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बच्चे की सेहत का आपको लॉस हो जाता है, बच्चा लॉस हो जाता है तो फिर क्या होता। तो प्लीज इस चीज को समझे यार, छुट्टी दे दिए सही बात है। ठीक है, तमाम सरकारी दफातर बंद कर दिए गए हैं सिवाय मेरे जिसमें मैं काम करता हूँ, तो मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और साथ ही साथ मेरा वो जो ऑफिस है वो बंद नहीं है, मुझे जाना होता है भाई, मैं इस हालात में भी जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो अभी मुझे 1 साल हो गया है, मेरी व्लॉगिंग में कोई फर्क नहीं आया भाई, मुश्किल से 14 से 15 वीडियोज होंगी पूरे साल के अंदर, हफ्ते में 2 वीडियोज ही बनाता ना तो कम से कम 40-50 वीडियोज बना ही ले चुका होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर सका। लेकिन बहुत से लोग मुझे कहते हैं वीडियोस कंसिस्टेंटली डालो, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मूडी बनता हूँ। ठीक है, और क्या नाम है, जब कोरोना के हवाले से काफी लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस है कि अमेरिका ने चाइना को लेट डाउन करने के लिए उस पर यह वायरस छोड़ा था, फिर उसके साथ जो मुंसलिक थे उनको भी यह वायरस छोड़ दिया, रशिया इतना ठंडा मुल्क है वहां पे ऐसा क्यों नहीं है, कोई कहता है गर्मी आ जाएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, कोई कहता है कि आप अपने गले को तर रखें, पेट में एसिडिटी होती है वो कोरोना नीचे उतरता है तो फिर खत्म हो जाता है, आप छींक मारते हो तो 27 डिग्री में कोरोना बाहर आता है खत्म। कोई कह रहा था भाई चाइना में कुत्ते बिल्ली सांप खाते हैं इसलिए ऐसा होता है, वो तो भाई बरसों से खाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और किसी ने कहा था कि भाई वो किताब में 1981 में जर्मन की एक किताब में ऑलरेडी कोरोना के बारे में लिखा गया है, तो ये भी एक फजूल सी बात है यार, 1960s से आया हुआ है। ठीक है, और कोई कह रहा है कि भाई 1720 में एक वबा आई थी, फिर 1820 में आई, फिर 1920 में आई, और 2020 में आ गई, ये 20 का हिस्सा ही ऐसा है, तो यार क्या कौन से जमाने में किस तरह की बातें कर रहे हो। डिटॉल पे भी नाम लगा दिया कि ये भी मुंसलिक है, भाई कोरोना एक 1960s से चलता हुआ आ रहा है, एक इसकी बहुत सारी कैटेगरी है, तो ये अभी थोड़ा सीवियर हो गया है, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। भाई साहब इकराम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मसला होता था ना, मस्जिद में जाके बैठ जाया करते थे और उस मसले पे डिस्कस करते थे। हमारे यहाँ तो अभी सारी मस्जिद बंद कर दी, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, अभी मस्जिद खुली नहीं है, मेरे बराबर वाली मेरे घर के बराबर में एक मस्जिद है खुली हुई अल्हम्दुलिल्लाह।
तो भाई अल्लाह ताला से पना मांगे और दुआ मांगे कि अजाब हम पर से टल जाए, हमारे ऊपर से चला जाए, ताकि हम अपनी रूटीन्स को वापस जा सकें। इतने सारे बेरोजगार हो गए हैं लोग, कंपनी से लोगों को निकाला जा रहा है, कि जाहिर सी बात है कि कहाँ से, जब कोई काम ही नहीं है तो सैलरीज कहाँ से पे करेंगे। जो डेली वेजेस का बंदा है वो कहाँ से कमा के लेके जाएगा यार, वो तो भूख से ही मर जाएगा बेचारा। उसको नहीं है कोई फिक्र कोरोना वोना की, वो जाता है वो कहता है भाई कि मैं जाऊँगा अपना कमाऊंगा, घर पे आके राशन लेके अपने बच्चों को खिला दूंगा, बीवी बच्चों को। तो इन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए यार, कि अभी हमारे जो अमेरिका और चाइना ब्रिटेन जो लॉकडाउन कर दिए गए हैं, वो इतने स्टेबल हैं कि वो अपना लॉस को कवर कर सके और अपने सारे तमाम सिटीजन्स को राशन पानी दे सके। हमारे यहाँ भी वो हालात नहीं है, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट ने वैसे ही अभी सारे सब जगह बंद कर दिया, अच्छी बात है भी बंद कर दिया है, लेकिन कम से कम उसका ऑल्टरनेट वे निकाले। यार डेली वेजेस वाला बंदा क्या करेगा, जो जो कंपनीज में जो काम करे उसको, वो बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका क्या हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे इस वबा से भी हमको निकाले, ठीक है। और जो बिला वजह की इतनी सारी जो छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों को थोड़ा कम करें और काम पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज अभी हमारी कौम को काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। कोई कह रहा है कयामत बहुत करीब आ गई है, बस सब छोड़ो इबादत, सही बात है भाई, कयामत हो सकता है करीब आ गई हो। ऐसी कुछ अहदीस भी हमें मिलती हैं जो इससे रिलेट करती हैं, तो दुआ मांगें और अजाब से टलने की, और काफ़ी हमारी ज़िंदगी में जो हमसे कोताही हुई हैं, गुनाह हुए हैं, उसके लिए माफ़ी भी मांगें और अपने कामों को सीधे रास्ते पे लेके आए। इस कोरोना, हमारे इमाम साहब ने बोला, मेरे बराबर वाली जो मस्जिद है घर के, उधर के इमाम साहब ने बोला, एक कोरोना की वजह से काफ़ी कोरोना पैदा हो गया यार, जखीरा दोजी हो रही है, ईमान की कमजोरी हो रही है, लोग मतलब और तब मजीद गुनाहों में मुब्तला हो गए सिर्फ एक बीमारी की वजह से। कोई कह रहा है भाई दज्जाली मीडिया है, कोई कह रहा है अमेरिका ने चाइना को लेट डाउन करना है इसलिए ऐसा कर रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। भाई ये सब मिलके एक साजिश हो रही है, कि कोई अभी बायो वॉर चल रही है, कोई कह रहा है इकोनॉमिक वॉर चल रही है, हर जगह कोई ना कोई अफरा तफरी फैली हुई है। भाई किसी और को ना देखो यार, मुस्लिम्स हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात ही यही है कि खाने कबाब पे तवाफ रुक गया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से दुआ करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ठीक है। हो सकता है अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो, कह रहा हो कि यार कि तुम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते थे सही तरह से, और अब तवाफ रुक गया तो इस तरह से तुम लोग रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। और सही बताऊँ तो कोई खास रिएक्शन भी नहीं है हमारा, हम चुप के चुप बैठे हुए अपने अपने घरों पर। हम मुसलमान किस बात के, मसाजिद में सब कुछ है, सारी आसाइशें हैं, लेकिन अब मसाजिद पूरी दुनिया में बंद है। अल्लाह का शुक्र अभी पाकिस्तान में बंद नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए कम से कम ये हालात सही हो जाएं, लोगों पे तनकीद ना करें, अपना स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं। ये मीडिया, सोशल मीडिया सारा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही है। मेरी कराची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन से बात हुई थी, मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जिसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है उसका इम्यून सिस्टम कम होता है, हो जाता है इम्यून सिस्टम, जब इम्यून सिस्टम कम हो जाता है तो ये वायरस उस पर इफेक्ट करता है। तो प्लीज़ सोशल मीडिया और मीडिया को अपने ऊपर इतना हावी ना करें, ठीक है। ये वबा, इस तरह की वबा पहले भी आती रही हैं, आगे भी आती रहेंगी, अभी भी हुई हैं, लेकिन हमें इसे ओवरकम कैसे करना है, वी शुड थिंक अबाउट इट, ठीक है। हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ जाना, हमें इबादात को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। मेरा मास्क उतर रहा है इतना बोलते हुए, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो मास्क क्यों लगाया भाई, ऐसे ही लगाया, सब लगा रहे थे, मैंने भी लगा लिया है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, बाकी सब अपना ख्याल रखो यार, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, व्लॉग्स तो मेरे स्लोली स्लोली आते रहेंगे। सो बी सेफ एंड लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।